आपके अपने डिजिटल रिकॉर्ड से एक बार फिर से स्वागत है। स्नैक्स तो आपने बहुत खाए होंगे, पर आज जो हम स्नैक्स बनाएंगे उसमें चीज है, पनीर है, माँ का प्यार है, बाप का दुलार है, हलवाई भी दमदार है और टोटल मिलाकर स्नैक्स मजेदार है। भाई इसे खाते जो मजा आ जाएगा, पनीर का भी परफेक्ट स्वाद आएगा, एकदम से स्पाइसी है, काफी टेस्टी है और झटपट से बनने वाली भी है। और खास बात, 15 से 20 दिन तक आसानी से चल भी जाता है, यानी कि इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक तोड़कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ऊपर से कितना क्रिस्पी लग रहा है, और ये देखिएगा अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मसालेदार, काफी स्पाइसी है और टेस्ट भी लाजवाब है। तो फिर बिना देरी के हुए हलवाई वाली दमदार ट्रिक के साथ इन 15 से 20 दिन तक आसानी से चलने वाले चीज और पनीर के स्नैक्स को बना लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम एक पैन से और इसमें डाल देंगे वनस्पति घी। अब इसको मेल्ट हो जाने देंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर लगभग 2.5 टेबल स्पून जितना, या ग्राम में नापेंगे तो लगभग 50 ग्राम जितना वनस्पति घी लिया है। वनस्पति घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और ले लेते हैं एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे 300 ग्राम जितना मैदा, इसी के साथ नमक आधा टेबल स्पून जितनी और अजवाइन आधा टेबल स्पून से थोड़ी सी कम। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब डालेंगे इसमें हम वनस्पति घी, इसी के साथ डाल देंगे इसमें 25 ग्राम जितना रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। ये डालना बहुत जरूरी है, इसी के कॉम्बिनेशन से काफी टेस्टी बनेगी और काफी लंबे समय तक इस पर दरारें भी नहीं आएंगी, तो इसे आप अवॉइड ना करें, जरूर डालें। इसे हम हाथों की सहायता से इस तरीके से मिलाएंगे। अब मैदा हमारी अच्छी तरीके से मिल चुकी है, तो अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। धीरे धीरे करके हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि इसका हमें बहुत ही सख्त डो तैयार करना है। अब सख्त का मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर चढ़ जाएं तब भी ये ना गुथे, मतलब मेरा है कि जो आटा रोटी या पराठे के लिए बनाते हैं उससे काफी सख्त लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरी की पूरी ताकत इसी में निकाल लें, तो थोड़ा सा आप सॉफ्ट भी गूंथ सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत कम पानी के साथ इसे गूंथा है, अभी देखिएगा इसमें काफी दरार है। तो इसे हम छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही, ताकि ये सेट हो जाए। जब तक डो हमारा सेट हो रहा है तब तक चलते हैं हम गैस की तरफ और एक इस पर हम पैन रख देते हैं और अब डालेंगे इसमें हम साबुत लाल मिर्च लगभग 6 और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। मिर्च अच्छी तरीके से भुन चुकी है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकालकर थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। मिर्च ठंडी हो चुकी है, तो अब लेंगे एक कूड़दान, वो भी अदरक कूटने वाला, और इसमें कूटेंगे हम मिर्च को। तो इसके अंदर हम मिर्च डाल लेते हैं और अब इसको हम सिर्फ इस तरीके से क्रश करेंगे। बस इसी तरीके से करना है, मतलब इसे हमें सिर्फ फोड़ना है, चूर चूर या बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, नहीं तो हम इसकी जगह मिक्सी भी ले सकते थे। लीजिए भाई, चिली फ्लेक्स हमारी बन चुकी है घर पे इजी तरीके से। अगर आपके पास मार्केट वाली है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने घर पे ही बना ली है, ये थोड़ी ज्यादा स्पाइसी होती है तो इस स्नैक्स का थोड़ा सा टेस्ट बढ़ भी जाता है, इसीलिए मैंने इसे घर पे बनाया। इतनी मेहनत करके हलवाई वाली चिली फ्लेक्स बना ली है, तो चलते हम डो की तरफ और देख लेते हैं क्या हाल है। 1 घंटा हो चुका है, डो भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। फिलहाल हम हाथों से और भी सेट कर लेंगे। अब डो को मैंने हाथों से सेट कर लिया है और अब दिखाता हूँ। ये देखिएगा इसकी काफी हद तक दरारें खत्म हो चुकी हैं, बस इसीलिए इसे हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसके अंदर की जो दरारें हैं वो खत्म हो जाए और बेलने में काफी आसानी रहे। अब जो हमारा डो है वो एक सा हो चुका है, तो इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। अब मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। और अब एक लोई हम एक साइड रख देंगे और एक को इस तरीके से फैला लेंगे हाथों से दबा दबा के, और अब लेंगे एक बेलन और इससे इस तरीके से दबाते हुए इसे हम बेलेंगे। बस यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से दबाते हुए बेलना है, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा यानी कि ताकत लगेगी और ये आसानी से बेलती चली जाएगी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इसे पराठे जितना ही पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल नहीं रखना है, तो इसमें थोड़ी सी ताकत लगा के आसानी से बेलिएगा। इसको हमें लंबा बेलना है, ना कि हमें गोल, तो इस तरीके से इसे हम बेल लेंगे। वैसे भी मैदा को बेलना बहुत ही आसान होता है। अब हमने मैदा की बड़ी सी पूड़ी बेल ली है, तो अब इसके ऊपर डालेंगे हम रेड चिली सॉस और इसको इस तरीके से चाकू की सहायता से फैला लेंगे। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, बस उसमें थोड़ी सी आप लाल मिर्च जरूर ऐड कर दें, उसके बाद इसका टेस्ट काफी हद तक ऐसा ही आएगा। अब रेड चिली सॉस अच्छी तरीके से फैला लिया है और अब डालेंगे इसके ऊपर हम चाट मसाला, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपक जाए। चाट मसाला का फ्लेवर वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो इसे आप अवॉइड ना करें, जरूर डालें। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम हरा धनिया, लगभग 1.5 कप जितना हरा धनिया, आप जिस क्वांटिटी में चाहें उस क्वांटिटी में डाल सकते हैं। जब महंगी हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं, या थोड़ी सी कम चला लें, फिलहाल अभी तो सस्ती चल रही है, तो ढेर सारा आप इसके ऊपर झोंक सकते हैं। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम पनीर, पनीर लगभग हम यहाँ पर 100 ग्राम जितनी डालेंगे, तो आपकी मर्जी है, आप ज्यादा पनीर खिलाना चाहो तो ज्यादा डालिएगा, कम खिलाना चाहो तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, मर्जी आपकी है। अब डालेंगे चीज, चीज ज्यादा नहीं लगेगी, लगभग 60 से 70 ग्राम, वैसे आप ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा खिंचेगी, कम डालेंगे तो कम खिंचेगी, जैसी चाहे वैसी मर्जी में आप डालिएगा। बस ध्यान रखिएगा स्नैक के समय चीज बाहर आ सकती है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप कम ही रखें। फिलहाल मैंने यहाँ पर लगभग 50 से 60 ग्राम चीज भी डाल दिया होगा, चीज डालकर रेडी कर लिए। तो अब इसके ऊपर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, मतलब चिली फ्लेक्स,
आप जो चाहे वो भाषा बोलिएगा। फिलहाल मैंने मिर्च को कूट लिया था तो भाई मैं कुटी लाल मिर्च ही कहूंगा। अब इसे हमने अच्छी तरीके से छिड़क दिया है ताकि ये काफी स्पाइसी बने। भाई इंडियन टच तो आना ही चाहिए। हाँ, इसके चक्कर में मैंने तेल गर्म होने के लिए नहीं रखा, तो वो भी रख लेते हैं। तो लेते एक बड़ा सा पैन और इसमें डाल देंगे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि इसे हमें समोसे की तरीके से डीप फ्राई करना है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तेल को गर्म होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक जो मैंने मसालेदार पराठा बनाया है उसको इस तरीके से राउंड कर लेते हैं। आराम से करिएगा, इजी तरीके से हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, आपस में चिपकते हुए ही ये गोल गोल होगा, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। और अब इसको हम इस तरीके से चिपका लेंगे। चिपकाइएगा अच्छी तरीके जरूर, नहीं तो ये खुल भी सकता है। और अब इसको हम इस तरीके से काटेंगे। काटते समय ध्यान रखें दबाकर नहीं, इस तरीके से आराम आराम से चाकू को फेर फेर कर इसके ऊपर काटिएगा। जल्दबाजी ना करें नहीं तो पिचक जाएगी। अब देखिएगा माल मसाला एकदम से साफ दिख रहा है। जब ये सिक्कर तैयार होगी और जब इसे आप मुंह में रखेंगे तो आप कहेंगे भाई मजा आ गया, समोसे बाहर लेना छोड़ दो, इसे घर पे बना के स्टोर कर लो और जब भी चाय पियो तो इसे एक या दो खा लो, भाई मजा आ जाएगा। बना के ट्राई जरूर करना। फिलहाल पिनव्हील्स कट के रेडी हैं, तो अब हम थोड़ी सी तैयारी और कर लेंगे, यानी कि हम इसे एक घोल में लपेटेंगे। तो इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो लेंगे एक बड़ी सी कटोरी और इसमें डालेंगे 3 चम्मच जितनी, या आप समझ सकते हैं 1 कप जितनी मैदा, और 3 चम्मच जितनी कॉर्नफ्लोर, या आप अरारोट भी ले सकते हैं। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक। और अब डालेंगे इसमें हम पानी और इस तरीके से इसका एक हम थिक घोल तैयार करेंगे। बिल्कुल पतला नहीं, हल्का सा थिक रखेंगे। अभी जब घोल तैयार हो जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। अभी ये काफी थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और फिर से इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब घोल हमारा रेडी हो चुका है, तो चलते हैं हम तेल की तरफ और एक बार जो मैंने बैटर तैयार किया था उसे फिर से मिला लेते हैं। और अब उठाएंगे अपना एक स्नैक्स और इसको इसके अंदर डिप कर लेंगे। डिप अच्छी तरीके से करें क्योंकि इसके अंदर भरी हुई है चीज, अगर डिप नहीं करेंगे तो चीज बाहर आ जाएगी। और अब इसे डाल देंगे हम तेल के अंदर। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो होनी चाहिए। अगर मीडियम भी रहेगी तो भी अच्छी तरीके से नहीं सेक पाएंगे, और मीडियम टू हाई रहेगी तो बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे। और ये 20-25 दिन तो छोड़िएगा, 5 दिन में ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से सेकेंगे उतने ही लंबे समय तक चलेंगे। तो इसे हमें समोसे की तरीके से सेकना है। सेकने में भी लगभग 20-25 मिनट का समय लगेगा, तभी आपको स्वाद आएगा बिल्कुल वैसा जैसा मार्केट में बिकते हैं। तो बस जितनी मैंने ट्रिक बताई है उतनी सारी ट्रिक आप फॉलो करें, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यानी कि इसके अंदर आप वनस्पति घी और रिफाइंड जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसी क्वांटिटी में लें। यानी कि 1 किलो अगर आप मैदा लगाते हैं तो लगभग 150 ग्राम जितना वनस्पति घी और 100 ग्राम जितना रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लें। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये काफी लंबे समय तक चलेंगे और इसके अंदर दरारें भी नहीं आएंगी, काफी टेस्टी लगेंगे। और जब जब आप इसे खाएंगे वैसे ही क्रिस्पी निकलेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखें और लगभग 20-25 मिनट आराम से सेकने दें। अब स्वाद और स्पाइस से भरे हुए पनीर पिनव्हील्स तो सिक चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे एक स्पाइसी चटनी के साथ। आप चाहें तो मीठी चटनी भी ले सकते हैं या चाय भी ले सकते हैं, भाई चाय के साथ तो बहुत ही मजा आएगा, तो आप चाय ही लें मेरे हिसाब से। तो जो हमारे बचे हुए पिनव्हील्स हैं उन्हें भी सेंक लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सेंकना है जैसे मैंने पिछले वाले सेंके थे। मुझे उम्मीद है कि एक बार आप मेरी ट्रिक के साथ इस स्नैक्स को जरूर ट्राई करेंगे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक हमें जरूर दें और हमें बताएं कि वास्तव में कितने टेस्टी बने और कितने समय तक चले। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भैया लाइक शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बगल का जो घंटा है बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।